हरदोई कोतवाली शहर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 3 इनामिया शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली शहर पुलिस ने चांद बेहटा निवास इकलाक हुसैन पुत्र रज्जाक हुसैन व धन्नूपुरवा निवासी रतिभान गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामसागर गुप्ता और अरविंद कुमार पुत्र संतोष कुमार रैदास को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने तीनों को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली शहर में धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें फरार चल रहे थे। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसपी द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया था। शहर कोतवाली पुलिस टीम ने एआरटीओ तिराहे के पास घेराबंदी कर तीनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत लूट के मामलों में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध जो है 10,000 का इनाम भी किया गया था। उसी क्रम में थाना कोतवाली द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें 1,00,000 एवं अन्य 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।